जय हिंद दोस्तों। यूपी पीएससी किसे कहते हैं, पीएससी क्या है, पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएससी का फुल फॉर्म भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, या फिर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, या किसी इंटरनेशनल स्कूल के नाम पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, या किसी सैन्य संगठन के नाम पर इनका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों इनके बारे में हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे और इनके अधिक से अधिक फुल फॉर्म को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं 6 पीएससी के फुल फॉर्म दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त और भी लगभग 10 से 12 या इससे अधिक फुल फॉर्म हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि यूपी पीएससी किसे कहते हैं। यूपी पीएससी का फुल फॉर्म यानी कि पीएससी का फुल फॉर्म प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी है, इसे हिंदी में प्रादेशिक सशस्त्र बल कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाली पुलिस सेवा का यह एक अभिन्न अंग है, इसीलिए इसे यूपी पीएससी कहते हैं। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य बल और उत्तर प्रदेश सशस्त्र बल की मध्यस्थता के कारण इसका स्थापना किया गया था, यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जो प्रादेशिक पुलिस थी वो अपने स्थानीय कानून व्यवस्था को लागू कराने में असमर्थ थी। तो दोस्तों यूपी पीएससी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कानून व्यवस्था में, कानून व्यवस्था को शांति के साथ स्थापित करने के लिए इनको तैनात किया जाता है। तो ज़्यादातर इनकी ड्यूटी यानी कि यूपी पीएससी के नौजवानों की ड्यूटी प्राकृतिक और घरेलू आपदाओं, किसी मतलब विशेष मेला या विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा, या फिर दंगे, या फिर जो आपके आतंकवादी हमले होते हैं, इत्यादि परिस्थितियों में कानून व्यवस्था को शांति रूप से बनाए रखने के लिए इनकी तैनाती की जाती है। तो यूपी पीएससी जो होते हैं आप इनके बारे में समझ चुके हैं। अगर दूसरे रूप में पीएससी का फुल फॉर्म समझना चाहें, यानी कि दूसरे क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में इनके फुल फॉर्म के समझने का प्रयास करें तो इनका फुल फॉर्म होता है प्री मेच्योर आर्टेरियल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि प्री मेच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का, इसे अगर हिंदी में हम समझने का प्रयास करें तो समय पूर्व संकुचन कहा जाता है। ये एक प्रकार का विकार होता है जो हमारे दिल के धड़कन को काफ़ी तेज़ यानी कि जल्दी जल्दी कर देता है। जल्दी जल्दी करने का मतलब है कि जो आपका प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारे दिल के धड़कन की रफ्तार को काफ़ी तेज़ कर देती है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती है और सांस फूलने के साथ में हमें थकान के साथ में चक्कर आने लगता है। लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम कहती है ये कोई गंभीर या फिर बीमारी नहीं है, बल्कि ये सामान्य कारणों से हो सकता है। जैसे कि अगर आप काफ़ी तनावग्रस्त हों, या फिर अधिक आप शराब का सेवन कर लेते हैं, या फिर आपके बॉडी में जल की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इत्यादि परिस्थितियों में जो है आपका समय पूर्व संकुचन हो सकता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। आगे हम समझते हैं, अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में समझने का प्रयास करें तो पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। पॉलिटिकल एक्शन कमेटी क्या होती है, तो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ऐसी कमेटी होती है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में या कहीं जहां पर इलेक्शन होता है, तो जब इलेक्शन होता है तो कोई पार्टी होती है, तो जिस पार्टी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है, जितनी भी पार्टियां होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि इन पार्टियों को इलेक्शन लड़ने के लिए इनको धन की आवश्यकता होती है। तो जो धन मुहैया करवाता है उनके, इनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है कि इस पार्टी को धन की आवश्यकता होगी तो उसके जो काम संपादित किए जाएंगे या धन से संबंधित जितने भी काम होंगे वो काम देखती है या धन मुहैया करवाती है, वो कौन सी कमेटी होती है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। तो ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में होता है। जैसा कि आप तीन समझ चुके हैं, यूपीपीएससी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में प्रीमेच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। अब आइए समझते हैं विश्व यानी कि विश्व में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स काउंसिल। पब्लिक अफेयर्स काउंसिल क्या है, ये एक पेशेवर संगठन है, जैसे कि किसी सामाजिक मुद्दों को निपटारा करवाया जाता है, कि अगर कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा है जो पेचीदा है, जो फंसा हुआ है किसी एक समूह या दूसरे समूह के बीच में, तब वहाँ पर जो वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना की गई है, इसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक अफेयर्स काउंसिल, ये भी एक पीएससी है। अब आइए अगला समझते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में नहीं बल्कि यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी कि एक जो वर्क करवाती है हमारी जो कंपनियाँ होती हैं इंडस्ट्रियल, वहाँ पर इनका क्या होता है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेशन कंट्रोलर, तो जो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनको संचालित करने के लिए
इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये स्वचालित चलती हैं, ये अपने समय पर किसी भी काम को चालू कर देती हैं या फिर बंद कर सकती हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर। अब इसके बाद में एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो है प्रिंस अल्फ्रेड कॉलेज। प्रिंस अल्फ्रेड कॉलेज क्या है, पीएससी मतलब, इसकी स्थापना जी देखिए 1869 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जब इसकी स्थापना की गई थी, आप जानते हैं कि इसकी एक खूबसूरती ये है कि जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो तीन प्रकार के, जो कॉलेज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कॉलेज जिसमें केवल मेल यानी कि बॉयज़, यानी कि केवल वहाँ पर बॉयज़ पढ़ते हैं, और एक जैसे फीमेल जहाँ पर केवल गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ पढ़ती हैं, और तीसरा वो जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि मेल और फीमेल, या वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंस अल्फ्रेड कॉलेज है, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर केवल एक मेल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो हैं क्या, बॉयज, यानी कि मेल कैंडिडेट्स पढ़ते हैं। अब आगे हम कुछ और पीएससी के फुल फॉर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, और एक होता है आपका, अगर उसके क्षेत्र में देखें, साइंस के क्षेत्र में देखें, तो इसका मतलब होता है प्लाज्मा आर्क कटिंग। आइए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे पीएससी के कुछ फुल फॉर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे कि अगला है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है, ये पाकिस्तान में सन 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर का मतलब यह है कि ये देश को सुरक्षा प्रदान करता है, और ख़ासकर जो एरो स्पेस होते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में जो लड़ाई होती है, वहाँ पर से जो एक देश से दूसरे देश पर या किसी स्थान पर अटैक किया जाता है एक मिसाइल के द्वारा या फिर टारगेट को फिक्स करके, तो उससे जो सुरक्षा प्रदान करती है, कुछ यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ये इस प्रकार की संस्था जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इस प्रकार के वस्तुओं का मैन्युफैक्चर करता है, एक प्रकार का, यानी कि जैसा कि बताया गया, मेजर का डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि डिफेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और ख़ासकर ये जो आपका स्पेस है उससे संबंधित है। अगला है प्लाज्मा आर्क कटिंग। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो प्लाज्मा के बारे में जानते होंगे। प्लाज्मा क्या है कि जो गैस होती है, अगर काफ़ी ज़्यादा इसको हम टेम्परेचर दे देते हैं, लगभग 18 से 20 हज़ार डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है कि जो गैसें होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि जो आयन होते हैं, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो वो आयनीकृत हो जाते हैं। तो जब आयनीकृत हो जाते हैं तो उनको किसी जो मटेरियल प्रोडक्ट होता है उनको काटने के लिए, उनकी कट करने के लिए इस प्लाज्मा आर्क का प्रयोग किया जाता है। आगे ऐसे और भी हैं, जैसे प्लान्ड एमोटाइजेशन क्लास है जो पीएससी का फुल फॉर्म है, या देखिए परसेप्चुअल ऑडियो कोडिंग है, या फिर पोर्टिंग ऑथोराइजेशन कोड है, और यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन ऑप्ट्रेशनल यहाँ पर देखिए कंट्रोल है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी कैथेराइजेशन है। तो ये सब पीएससी के फुल फॉर्म हैं, लगभग जो 6 अभी दिखाए इससे पहले और 7 ये हैं, तो ये पीएससी के फुल फॉर्म हैं। आपको पहले के जो 6 और 2, 8 के बारे में कुछ विशेष कुछ संक्षिप्त रूप से बता दिया है, लेकिन 5 के बारे में और अगर आपको आगे बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पीएससी के फुल फॉर्म्स के बारे में और पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पीएससी के फुल फॉर्म को बताया गया है, इतने ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त और भी हैं, लेकिन जो कुछ मेन थे उनके बारे में बता दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।